नेशन इज इंडिया में आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज 17 अक्टूबर और 19 अक्टूबर को हो सकती है। इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बचे हुए कैंडिडेट्स के नामों पर चर्चा हो सकती है। पार्टी सूत्र के मुताबिक तीन राज्यों में बचे हुए उम्मीदवारों पर विचार के लिए दो दिन बैठक हो सकती है। भाजपा पदाधिकारी ने यह भी बताया कि स्क्रीनिंग कमेटी उम्मीदवारों पर काम कर रही है, इसके बाद नाम सीईसी को भेजे जाएंगे। तेलंगाना में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 22 अक्टूबर के पहले आ जाएगी। 9 अक्टूबर को 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ था। इसके 3 घंटे बाद ही भाजपा ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 162 प्रत्याशियों के नाम जारी किए थे। इनमें राजस्थान के 41, मध्य प्रदेश के 57 और छत्तीसगढ़ के 64 प्रत्याशियों के नाम थे। राजस्थान की ये पहली, मध्य प्रदेश की चौथी और छत्तीसगढ़ की दूसरी लिस्ट थी। राजस्थान में 59, मध्य प्रदेश में 94 और छत्तीसगढ़ में 5 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशियों का ऐलान होना बाकी है। कांग्रेस ने 15 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए 229 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की थी। इनमें मध्य प्रदेश से 144, छत्तीसगढ़ से 30 और तेलंगाना से 55 उम्मीदवारों के नाम थे। राजस्थान के लिए कांग्रेस की अब तक की कोई लिस्ट नहीं आई है। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।